गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। सो लास्ट टाइम पे हमने इंजीनियरिंग मैकेनिक टॉपिक सब्जेक्ट स्टार्ट किया था और कंटिन्यूसेस में कई सारी चीज़ें चल रही थी, जिसमें हमने लास्ट टॉपिक जो मेरा था दैट इज़ वेरिनॉन थ्योरम, इसको मैंने कंप्लीट कर लिया था। और मैंने आज बताया था कि आज मुझे क्या पढ़ना है, दैट इज़ रिजल्टेंट ऑफ अ फोर्स सिस्टम। जो फोर्स सिस्टम होता है, मैंने सिस्टम ऑफ द फोर्स आपको इससे पहले लेक्चर में डिस्कस कर रखा हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स, जो किसी पर्टिकुलर बॉडीज पे, जब किसी पर्टिकुलर बॉडी पे डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस ऐड करते हैं तो उन सभी फोर्सेस का एक रिजल्टेंट होता है। उस रिजल्टेंट को कैसे फाइंड आउट करेंगे, उस रिजल्टेंट की डायरेक्शन या उस रिजल्टेंट के एंगल्स क्या होंगे, उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, आज हम उसी के बारे में देखने जा रहे हैं, ठीक है। और इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल दो चार लगाएंगे और जितना हो सकेगा बेस्ट से बेस्ट इसको अच्छे से समझा जाएगा, ठीक। तो चलिए हेडिंग डालिए, रिजल्टेंट ऑफ अ फोर्स सिस्टम। रिजल्टेंट ऑफ अ फोर्स सिस्टम हेडिंग आपकी, रिजल्टेंट ऑफ अ फोर्स सिस्टम, ठीक है। जो फोर्स सिस्टम है उसका रिजल्टेंट निकालना, तो आपको पता है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द रिजल्टेंट इज नोन एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस। मैं जैसे बता रहा हूँ, फॉर एग्जांपल दिस इज अ बॉडी, ठीक। अब इस बॉडी पे कहीं यहाँ फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन पे, कभी इधर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, कभी इधर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, कहीं यहाँ फोर्स लग रहा है, तो इन सारे फोर्सेस का मुझे जो रिजल्टेंट फाइंड आउट करना होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। और उस रिजल्टेंट का जो वैल्यू होगा इन इंडिविजुअल्स की वैल्यू के बराबर भी होगा। रिजल्टेंट याद रखिएगा, दो डायरेक्शन में रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए फोर्स के कंपोनेंट को दो डायरेक्शन में डिवाइड करते हैं, एक एक्स डायरेक्शन में एक वाई डायरेक्शन में। एक्स एंड वाई डायरेक्शन में डिवाइड करने के बाद उसका हम रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं। अब रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के बेसिकली दो मेथड होते हैं, जिसमें सबसे पहला मेथड होता है दैट इज़ योर ग्राफिकल मेथड, और दूसरा मेथड जो होता है आपका एनालिटिकल मेथड। हम आपको बता दें कि इस चैप्टर में हम अगर जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे विद द हेल्प ऑफ एनालिटिकल मेथड, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। ग्राफिकल मेथड भी अच्छा है, समझेंगे दोनों, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो एनालिटिकल मेथड इन कंपैरिजन टू ग्राफिकल मेथड थोड़ा सा इजी पड़ जाता है, ठीक है। इसलिए हम एनालिटिकल मेथड का यूज करेंगे ड्यूरिंग सॉल्विंग ऑफ द फोर्स ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए आप, देयर टू मेथड्स, ग्राफिकल एंड एनालिटिकल मेथड। सबसे पहले हेडिंग डालिए आप लोग ग्राफिकल मेथड, ठीक है। ए दैट इज ग्राफिकल मेथड ऑफ फाइंडिंग द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स। फॉर एग्जांपल कोई पॉइंट है ओ, एक पॉइंट ओ है, इस पॉइंट के ऊपर एक फोर्स पी वन एक्ट कर रहा है, इसी पॉइंट के ऊपर एक फोर्स पी टू एड कर रहा है। मैं आपको एक चीज बता दूं, जो ग्राफिकल मेथड होता है वो बेसिकली पैलोग्राम मेथड आप कह सकते हो, या फिर अगर दो फोर्सेस से ज्यादा फोर्स लग रहे हैं तो उसके लिए भी एक आगे लॉ आता है विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड, एक लॉ आता है जिसे कॉल्ड ट्रायंगुलर लॉ। जैसे एक ग्राफिकल लॉ होता है, सॉरी पैलोग्राम लॉ होता है, उसी तरह एक ट्रायंगुलर लॉ होता है। ट्रायंगुलर लॉ इज नथिंग बट द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। अब फोर्स P1 एंड P2 ये दो दिए हुए हैं, अब इस फोर्स को हम क्या करेंगे, इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट मुझे फाइंड आउट करना है, और रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हम इसी फोर्स का, मान लेते हैं ये कोई बॉडी है, इस बॉडी पे फोर्स एक्ट कर रहा था, अब इसी फोर्स का मुझे रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, कैसे करेंगे देखिए। इस फोर्सेस को मैं क्या करूंगा, इसका पैरेललोग्राम के फॉर्म में
लिखूंगा और जो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वही इस फोर्स का रिजल्टेंट होगा। देखिए मैंने मान लिया कि ओ से ए, यहां से लेते हैं ओ से ए, ये जो इसकी लेंथ है ये रिप्रेजेंट करती है फोर्स पी टू को, ठीक है। पैरेललोग्राम की एक लेंथ है ए से, दैट इज ओ से ए, और ये रिप्रेजेंट कर रही है क्या फोर्स पी टू। एक इधर है, दिस इज सी सॉरी बी, ओ से बी तक की जो लेंथ है पैरेललोग्राम की ये रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स पी वन को। अब पैरेललोग्राम आपको पता ही क्या है, इसको एक्सटेंड करेंगे और इसको एक्सटेंड करेंगे, दैट इज पॉइंट सी। अब इस पैरेललोग्राम का जो भी रिजल्टेंट होगा, सॉरी जो भी इसका डायगोनल होगा, मैं मान लेता हूं इसका डायगोनल ओसी है, यही डायगोनल इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगा, और ये रिजल्टेंट फोर्स पी टू से अल्फा एंगल बना रहा है। और आपको पहले से पता है कि पी वन पी टू एक थीटा एंगल पर वर्क कर रहे हैं, दैट इज थीटा, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड में आपको फोर्सेस को कुछ ऐसे ही फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखिए तो ओ ए और सी, ओ ए और सी एक्चुअल में है क्या, एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो पैरेललोग्राम का ही मॉडिफाइड फॉर्म क्या है, ट्रायंगल लॉ, ठीक है। क्योंकि नंबर ऑफ फोर्सेस अगर बढ़ जाएंगे तो उस केस में आप पैरेललोग्राम का यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम सिर्फ सिर्फ दो फोर्सेस के लिए ही यूटिलाइजेशन में आता है। लेकिन अगर नंबर ऑफ फोर्सेस बढ़ जाए, कितने भी लग सकते हैं, उन फोर्सेस को सॉर्ट आउट करने के लिए मुझे ट्रायंगल लॉ की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसको देखिए, फिर मैं बताता हूँ ट्रायंगल लॉ कैसे वर्क करता है, ठीक है। बनाइए इसको, ग्राफिकल मेथड में बता रहा हूँ कैसे सॉल्व होता है। तो इसके लिए आप सीधे रिजल्टेंट पी वन पी टू निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे मैं मान रहा हूं, जैसे कोई फोर्स पॉइंट है ओ, पॉइंट ओ, इस पॉइंट ओ पर एक फोर्स लग रहा है, दैट इज पी वन, एक फोर्स क्या लग रहा है पी वन, एक फोर्स इसी पॉइंट पे और लग रहा है, दिस इज पी टू, ठीक है। एक पी वन लग रहा है, एक पी टू लग रहा है, मैं इस फोर्स को थोड़ा सा नीचे ले रहा हूं, दिस इज पी वन एंड पी टू। एक और फोर्स इस पे लग रहा है, दैट इज पी थ्री, पी थ्री, एक फोर्स और लग रहा है, दैट इज पी फोर। अब देखिए यहां नंबर ऑफ फोर्सेस बहुत ज्यादा हो गए। अब इसके लिए आप पैरेललोग्राम का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, या तो आप ग्राफिकल मेथड में ट्रायंगुलर लॉ को यूज करें, या फिर इसी क्वेश्चन को मैं एनालिटिकल मेथड से सॉल्व कराऊंगा। फिलहाल के लिए अभी मैं ग्राफिकल मेथड को पढ़ रहा हूं, तो ग्राफिकल मेथड देखते हैं, और उस ग्राफिकल मेथड में हम ट्रायंगुलर लॉ का यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखिए करना क्या होता है इसमें, सबसे पहले तो इस पूरे सिस्टम को एक फॉर्मलाइज्ड वे में लिखना होगा, नॉर्मलाइज्ड वे में। जैसे मैं मान लेता हूँ दिस इज पॉइंट ओ, यही मैं डायग्राम बना रहा हूँ, यहाँ पर पॉइंट ओ, एक फोर्स कहाँ लग रहा है, दिस इज पी वन फोर्स लग रहा है, ये पी वन। अब एक पी टू फोर्स यहाँ से यहाँ लग रहा है, तो मैं इस टेल्स के और हेड से मिलाया गया, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसी फोर्स को मैं दिस इज पी टू, इसके टेल को उठा के मैंने यहां पर शिफ्ट कर दिया और ये ऐसे बना दिया, ठीक है। साथ ही साथ आगे क्या किया गया है, देखिए एक फोर्स P3 दिख रहा है, अब इस P3 के इस टेल को उठा के मैं P2 के हेड से मिला दूंगा और कुछ ही कैसा बन जाएगा, दैट इज लुकिंग लाइक दिस, दिस इज योर P3। एक चीज और दिख रही है P4, और P4 के टेल को मैं P3 के हेड से मिला दूंगा, दैट इज योर पी फोर, इसमें कोई दिक्कत, सिंपल सही करना है, ठीक है। अब देखिए इस पूरे क्वेश्चन को मैं स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करता हूँ, आप लोगों को बस समझना है, इसमें कोई
क्वेश्चन आंसर बहुत कैलकुलेशन नहीं है, बस ग्राफिकल है। अब देखिए ये P1 है, ये P2 है, मैं मान एक नंबर ही कर देता हूँ, दिस इज A B C एंड D, दिस इज O एंड A, O A जो वेक्टर है इसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, P1, A B को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज P2, ठीक, O A को P1, A B को P2 रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब अगर आप पूरा इधर का भूल जाए, सिर्फ इतना देखें, तो इतना देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, अगर इसका रिजल्ट निकालेंगे तो मैं देख रहा हूँ यहाँ से अगर O से B को मैं मिला दे रहा हूँ, O से B से मिला दे रहा हूँ, अगर ऊपर का भूल जाए तो P1 एंड P2 का रिजल्टेंट क्या निकलेगा, दैट इज R1, P1 एंड P2 का रिजल्टेंट क्या निकला, R1, इज इट क्लियर। अब देखिए आपको पता है B और C को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, B और C को रिप्रेजेंट कर रहा है T3, B और C को BC को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है P3, एंड OB को रिप्रेजेंट कर रहा है R1। अगर मैं R1 एंड P3 का रिजल्टेंट निकालना चाहूँ तो क्या करूँगा, यहाँ से देखिए आप सिंपल सा इसको मिला दीजिए और ये हो जाएगा R2। तो R2 एक्चुअल में है क्या, R2 इज द रिजल्टेंट ऑफ R1 एंड P3, और अगर हम और अच्छे से बोलें तो R2 इज द रिजल्टेंट ऑफ P1, P2 एंड P3, क्योंकि R1 रिजल्टेंट किसका है, P1, P2 का, R2 रिजल्टेंट है R1 एंड P3 का, तो R2 अल्टीमेटली रिजल्टेंट किसका हो जाएगा, P1, P2, P3 का, ठीक है। और मैं आगे चलता हूं, आपको दिख रहा होगा OC को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, R2 को, एंड DC को, CD को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, P3। अगर मुझे R2 और P4 का रिजल्टेंट निकालना है तो कुछ ऐसा करेंगे, दिस इज R, तो ये जो R लिखा है R क्या है एक्चुअल में, R इज द रिजल्टेंट ऑफ R2 एंड P4, एंड R2 रिजल्टेंट ऑफ R1 P3, एंड R1 रिजल्टेंट ऑफ P1 P2। तो अल्टीमेटली पूरे अगर मैं सिस्टम की बात करूँ, पूरे फोर्स ऑफ सिस्टम की बात करूँ, तो R इज द रिजल्टेंट ऑफ P1, P2, P3 एंड P4, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड में कुछ आपको ऐसे ही स्टेप को अडॉप्ट करना होगा और सिस्टमेटिकली आपको ग्राफ बनता चला जाएगा और सोल्यूशन फाइनली निकल आएगा, एंड द सोल्यूशन इज R, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन, एक बार देख लें फिर मैं स्टार्ट करता हूँ एनालिटिकल मेथड में। हालांकि परेशान मत होइए, इस मेथड से मैं न्यूमेरिकल एक भी सॉल्व नहीं कराऊंगा, ठीक है, न्यूमेरिकल की सॉल्विंग में कराऊंगा एनालिटिकल मेथड से, ठीक है। इसको जल्दी से देखिए फिर मैं स्टार्ट करता हूँ एनालिटिकल मेथड। ओके हो गया, चलिए सेकंड वन इज बी है आपका क्या, एनालिटिकल मेथड, ठीक है। अब मैं एनालिटिकल मेथड की बात करूं तो पूरी तरह से यहां पर कैलकुलेशन ही बेस्ड है, ठीक है। जैसे ज्यादा कुछ बिना बोलते हुए सीधे डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम के माध्यम से इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज वाई एक्सिस, ठीक है। मैं मान रहा हूं एक फोर्स है पी वन, पी वन यहां एक्ट कर रहा है इस पॉइंट, दिस पॉइंट इज नोन एज ओ, क्लियर। एक फोर्स और है जो यहां एक्ट कर रहा है, दैट इज पी टू, एक फोर्स और है जो यहां एक्ट कर रहा है, दिस इज पी थ्री, एंड एक और है दैट इज पी फोर। अभी क्या करेंगे, इन सारे फोर्सेस का को हम कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देंगे इन एक्स डायरेक्शन एंड इन वाई डायरेक्शन, ठीक है, एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन में। अगर मैं पी वन की बात करूं तो पी वन का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आएगा, ठीक है, पी वन का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा एंड वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा। तो मैं अगर पी वन की बात करूं तो पी वन की एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट
P1 का x डायरेक्शन में कंपोनेंट है, P2 P1 का y डायरेक्शन में कंपोनेंट। तो P1 का x डायरेक्शन में कंपोनेंट विच इज P1 इनटू x, ठीक है। मैं अभी सिंपली स्ट्रेटजी लेके चल रहा हूँ, दैट इज P1 इनटू x, सॉरी ये इनटू नहीं होगा, P1x, ठीक है। P1x में मान लेता हूँ इस P1 का x डायरेक्शन में कंपोनेंट P1x हो गया, इसी P1 का y डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो गया, P1y, ठीक है, मैं मान लेता हूँ। इसी तरह मैं P2 की बात करूँ तो x डायरेक्शन में P2 का कंपोनेंट क्या आएगा, P2x, y डायरेक्शन में P2y। सिमिलरली P3 की बात करूँ तो x डायरेक्शन में दिस इज P3x एंड हियर P3y। अगर P4 की बात करें तो दिस इज x डायरेक्शन में P4x और y डायरेक्शन में P4y। ये इसके कंपोनेंट्स को मैंने डिवाइड कर दिया सिर्फ x एंड y डायरेक्शन में। अब मैं क्या करूंगा, ओवरऑल कंपोनेंट्स को जोड़ लेता हूं कि कितने x डायरेक्शन में है कितने y डायरेक्शन में है। करना क्या है देखिए, मैं क्या करूंगा, समीशन ऑफ x निकालूंगा कि रिजल्टेंट ऑफ फोर्स इन x डायरेक्शन, रिजल्टेंट सॉरी समीशन ऑफ फोर्स इन x डायरेक्शन। तो पहला क्या होगा, P1x और क्या है प्लस P4x, P1x एंड P4x। साथ साथ देखिए ये इस डायरेक्शन में, ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अगर आप इसको पॉजिटिव लेते हैं तो इसको निगेटिव लेना होगा, अगर इसको निगेटिव ले रहे हैं तो इसको आपको पॉजिटिव लेना होगा। तो मैंने इसको पॉजिटिव ले लिया तो अल्टीमेटली इस डायरेक्शन में क्या मानूंगा, P3x को निगेटिव एंड P2x। सिमिलरली अगर मुझे समीशन निकालना है फोर्सेस का इन y डायरेक्शन, तो दैट इज P1y प्लस P2y माइनस P3y माइनस के P4y। ये आ गया आपका समीशन ऑफ द फोर्सेस, ये समीशन ऑफ द फोर्स। लेकिन अभी यही तक कहानी खत्म नहीं, मुझे निकालना अल्टीमेटली क्या है रिजल्टेंट। ये तो आपने x डायरेक्शन एंड y डायरेक्शन में आपने इसका फोर्सेस का समीशन निकाल लिया, कहीं ना कहीं ये चार फोर्सेस को आपने दो फोर्सेस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब रिजल्टेंट निकालना होगा इस फोर्सेस का, अगर मुझे रिजल्टेंट निकालना है तो करेंगे क्या, r इक्वल्स टू अंडर रूट समीशन ऑफ x का स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ y का स्क्वायर, बस यही इसका रिजल्टेंट है। अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस रिजल्टेंट का x एक्सिस से एंगल कितना होगा, मतलब x एक्सिस से इसके किस डायरेक्शन में ये रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करेगा। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, दिस इज tan अल्फा इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ y अपॉन समीशन ऑफ x। सो वी कैन से अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स समीशन ऑफ y अपॉन समीशन ऑफ x। तो ये आपको याद रखना होगा, ये दो कंडीशन बस, इसमें इतना ही है, कुछ नहीं करना, बस आपको एक ये याद रखना है एक ये याद रखना है। इन दोनों को आप याद रखेंगे तो आपका रिजल्टेंट निकालने का केस जो होगा बहुत 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 इजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए बिना देरी करते हुए इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड अब न्यूमेरिकल धड़ाधड़ स्टार्ट करते हैं और फटाफट लगा डालते हैं, ठीक है। चलिए फिर सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है, अ गाय वायर ऑफ एन इलेक्ट्रिक पोल, क्वेश्चन है अ गाय वायर ऑन इलेक्ट्रिक पोल शोन इन फिगर मेक्स 30 डिग्री टू द पोल। 30 डिग्री क्या है, इसलिए एंगल की बात कर रहा है, टू द पोल एंड सब्जेक्टेड टू 20 किलोन्यूटन फोर्स एंड subjected to 20 kilonewton
फोर्स, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, फाइंड वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, एक गाय है जो कि इलेक्ट्रिक पोल पे वायर बांध के रखा हुआ है, अब वो उस और एंगल कितना बना रहा है 30। देखिए डायग्राम बना हुआ है इसका, यहां पर एक आदमी बैठा हुआ है, सॉरी एक वायर को पकड़ा खड़ा हुआ है, और यहां पर क्या है आपका इलेक्ट्रिक पोल, एक वायर इसने पकड़ रखा है जो कि इसके साथ कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री का, और इस पे कितना न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, दिस इज 20 किलो न्यूटन। ये क्वेश्चन है आपका, तो बताओ इसका वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा। मुझे नहीं लगता ये कोई कर नहीं पाएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो जल्दी से कर लेते हैं फिर दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट निकालने के लिए सिर्फ इसको क्या करना होगा, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देना होगा। तो 20 का वर्टिकल कंपोनेंट अगर यहाँ निकालो हो तो 20 कॉस 30, मैंने पहले ही बताया था जिधर दिया उधर कॉस लगा दो, और अगर इधर निकालना है वर्टिकल दिस इज 20 साइन 30 बस। तो अगर हम PH हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालेंगे दैट इज 20 साइन 30 एंड वर्टिकल कंपोनेंट दैट इज 20 कॉस 30। ये अब आप लोग कैलकुलेटर में रख के सॉल्व करिए, बस यही क्वेश्चन है, इतना ही पूछा गया है। चलिए इसको सॉल्व करती है, ये आप सॉल्व करिएगा आंसर आ जाएगा। चलिए भाई दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है डिटरमाइन द रिजल्टेंट ऑफ थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ हुक, या डायरेक्ट मैं डायग्राम बना रहा हूं और मैं बता रहा हूं क्या करना है। This is x and y 70, 80, 45 x and y, यहां एक फोर्स लग रहा है दिस इज 70 न्यूटन, यहां लग रहा है दिस इज 80 न्यूटन, और इधर एक फोर्स लग रहा है दिस इज 50 न्यूटन। ये तीन फोर्सेस लग रहे हैं एट एन एंगल 25, 25, 45, यहां से ये कितना है 25 डिग्री, यहां से ये एंगल कितना है 25 डिग्री, और ये क्या है 45 डिग्री। ठीक है, इन एंगल्स पे फोर्सेस लग रहे हैं। क्वेश्चन है आपका इन तीनों फोर्सेस का मुझे रिजल्टेंट बताओ कितना होगा। ठीक है, दिख रहा है फोर्स तीन लग रहे हैं, इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट की एक्स एक्सिस से डायरेक्शन, मीन्स मुझे दो चीजें निकालनी है, आर की वैल्यू एंड अल्फा की वैल्यू, दो चीजें आपसे पूछी गई है। तो करना क्या होगा, सिंपल सा इसका हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अगर मैं 80 को बात करूं तो 80 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आ जाएगा, मैं बात करता हूं आप हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट की, दो कंपोनेंट की मैं बात करता हूं, यहां पर लिख ले रहा हूं मैं 70 न्यूटन, यहां लिख ले रहा हूं 80 न्यूटन, यहां लिख ले रहा हूं 50 न्यूटन। ठीक है, अब 70 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, 80 का हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंड 50 का हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। ठीक है, करना क्या होगा, 80 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहां पर आएगा और क्या पड़ेगा 80 cos 25,
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आएगा 80 का, दिस इज 80 cos 25, तो वर्टिकल क्या हो जाएगा 80 sin 25, ठीक है। 70 का देखिए तो 25 25 50, तो दिस इज 70 cos 50, तो ये क्या हो गया 70 sin 50, ठीक है। सेम 50 का दिस विल बी 50 cos 45। अब ये देखिए 50 हॉरिजॉन्टल तो इधर ही जाएगा, लेकिन वर्टिकल ये कहाँ आएगा, 50 का वर्टिकल डाउनवर्ड आएगा, ठीक है। तो डाउनवर्ड के लिए माइनस 50 साइन 45। अब मुझे लगता नहीं है कि आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, तो हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा एक्स, वर्टिकल रिप्रेजेंटेड सिग्मा वाई, तो सिग्मा एक्स की वैल्यू आप बताएं एंड सिग्मा वाई की वैल्यू बताएं कितनी आ गई। इन तीनों को जोड़ दीजिए, इसको भी जोड़ दीजिए, तो बताएं क्या आएगी, चलिए बताइए भाई जल्दी से। तो इसकी वैल्यू अप्रॉक्स 152 किलो न्यूटन, सॉरी किलो न्यूटन नहीं, न्यूटन आएगी, ये सारी चीज न्यूटन में दी। सिग्मा वाई की वैल्यू की बात करें तो दिस इज 52 न्यूटन। अब सिग्मा एक्स सिग्मा वाई निकाल दिया, रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, अंडर रूट सिग्मा एक्स का स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई का स्क्वायर। सिंपल सी ये वैल्यू रख के आप कैसी का सॉल्व करिए इसको। अब एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन से या एक्स एक्सिस से रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा, उसके लिए आपको मैंने बताया था अल्फा इक्वल्स टू टैन इनवर्स सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। ये भी आप बड़े आसानी से निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ कैलसी, इसको सॉल्व करिए और इसको आप सॉल्व करिए, ठीक है। थोड़ी बहुत तो मेहनत आपको करनी ही होगी, इसका इसका आंसर निकाल लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया हो तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ता हूँ। चलिए मैं करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सिस्टम ऑफ फोर फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी शोन इन फिगर डिटरमाइन द रिजल्टेंट फोर्सेस, ठीक है। चलिए तो सीधे मैं डायग्राम बनाता हूँ, डायग्राम से आप समझते हैं कि इसमें पूछा क्या गया और करना क्या है, ठीक है। वैसे पूछा गया है कि रिजल्टेंट फोर्स बताइए, बस यही पूछा गया आपसे, ठीक है। तो जो फोर्सेस दिए हैं पहले उसको मैं देखता हूँ क्या क्या कैसे कैसे दिए हुए हैं। सिग्मा एक्स सॉरी एक्स एंड वाई जो फोर्सेस दिए हैं दैट इज 200 न्यूटन 1 2 जैसा दिया हुआ है, दिस इज 120 न्यूटन 120 न्यूटन दैट इज 4 3 एक और फोर्स दिया है दैट इज 50 न्यूटन ये एंगल बना रहा है दैट इज 60 डिग्री फोर्स दिया है 40 न्यूटन 100 न्यूटन दैट इज 40 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब कह रहा है कि इन फोर्स दिया हुआ है, फोर्स का सिस्टम दिया है, इन फोर्सेस का मुझे रिजल्टेंट बताओ। और मीन्स इसमें भी दो चीजें पूछी थी, एक आपसे पूछा गया आर क्या होगा, एक पूछा गया है कि इसमें अल्फा क्या होगा बताओ भाई, दो चीजें निकालनी है। सबसे पहले तो मुझे इसका एंगल पता है कि एक्स एक्सिस से 50 न्यूटन कितने पर लगा है एंड वाई एक्सिस से 100 न्यूटन कितने पर लगा है, लेकिन 200 न्यूटन और 120 न्यूटन का मुझे कुछ नहीं पता है। तो लेकिन हमें 1 2 दे दिया गया है, ठीक है।
तो 1-2 का मतलब ही होता है, जो यहाँ पर दिया है इसका मतलब होता है कि ये थीटा एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेसिकली वी नो दैट टैन थीटा 1, इसको मैं थीटा 1 मान लेता हूँ, यहाँ जो लग रहा है दिस इज थीटा 2, तो टैन थीटा 1 इक्वल्स टू टैन इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो अगर ये 1 है ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा रूट के 5। तो अगर मैं साइन थीटा 1 निकालना चाहूँ, साइन थीटा 1 तो क्या निकलेगा 1 अपॉन रूट 5, एंड अगर मैं कॉस थीटा 1 निकालना चाहूँ तो क्या निकलेगा 2 अपॉन रूट 5। सिमिलरली मैं यहाँ पर देखा यहाँ 4 दिया है, यहाँ पर 9 दिया है, दिस इज 5 निकल आएगा। तो टैन थीटा 2 जो है विच इज 4 अपॉन 3, तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ साइन थीटा 2 दैट इज 4/5 एंड कॉस थीटा 2 इज दस टू 3/5। यहाँ तक मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत होनी चाहिए किसी को, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ये सब, ठीक है। यहाँ तक अगर निकल आया हो तो चलिए पर रिजॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमें पता है 200 न्यूटन को मैं अगर एक्स एक्सिस में रिजॉल्व करना चाहता हूँ इस डायरेक्शन में, तो दिस इज क्या जाएगा 200 थीटा की वैल्यू। अब देखिए थीटा की वैल्यू यहाँ से थीटा है दैट इज थीटा 1, ये थीटा है दैट इज थीटा 2, तो थीटा 1 जिस डायरेक्शन में थीटा उसी डायरेक्शन में लेके जाना है दैट इज कॉस थीटा 1। तो वाई डायरेक्शन में क्या आएगा 200 साइन थीटा 1, ठीक है। ये रिजॉल्व हो गया 200 न्यूटन का। 120 न्यूटन का रिजॉल्वेशन कैसे होगा, दिस इज 120 इसी डायरेक्शन में निकालना, दिस इज कॉस थीटा 2, वाई डायरेक्शन में 120 साइन थीटा 2, इज इट क्लियर। अगर मैं 50 न्यूटन की बात करता हूं, 50 न्यूटन की मैं बात कर रहा हूं, तो 50 न्यूटन का एक्स डायरेक्शन में रिजॉल्व क्या आएगा, दिस इज 50 कॉस 60, वाई डायरेक्शन में 50 साइन 60। इसी तरह 100 न्यूटन का मैं देखूं तो एक्स डायरेक्शन में 100 साइन 40, हियर 100 कॉस 40, इज इट क्लियर टू एवरीवन। अब मैंने जितने फोर्स इधर उधर किसी किसी एंगल पे दिए थे उनको मैं पर्टिकुलर एक्स एंड वाई डायरेक्शन में ला दिया हूँ, ठीक है। बस अब करना क्या है, जो एक्स एंड वाई डायरेक्शन में ला दिया है तो एक्स एंड वाई डायरेक्शन में इनको सम करके रख दो। तो इनको चलिए सम करते हैं। सबसे पहले एक्स लेते हैं दैट इज 200 कॉस थीटा 1 प्लस 100 साइन 40 डिग्री माइनस, ये अगर एक्स लिया है तो इधर जितने हैं सब निगेटिव में जाएंगे दैट इज 120 कॉस थीटा 2 माइनस 50 कॉस 60, दिख रहा है, ठीक है। सिग्मा वाई की मैं बात करता हूँ, सिग्मा वाई ऊपर 200 साइन थीटा 1 प्लस 120 साइन थीटा 2, अगर ऊपर मैंने पॉजिटिव लिया तो नीचे के सारे मैं निगेटिव लूंगा दैट इज 100 कॉस 40 माइनस 50 साइन 60। अब आपको मैंने कॉस थीटा 1 की वैल्यू मैंने पहले ही बता दी क्या है, ये देखिए कॉस थीटा 1 की वैल्यू सीधा यहां पर रखिए, कॉस थीटा 2 की वैल्यू और कॉस थीटा 1 की वैल्यू, कॉस थीटा 1 वैल्यू ये देखिए, कॉस थीटा 2 की वैल्यू ये देखिए दिया हुआ है, साइन थीटा 1 की वैल्यू ये देखिए एंड साइन थीटा 2 की वैल्यू ये देखिए, तो सारी वैल्यूज दी हुई हैं, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 1 थीटा 2 सबकी वैल्यू दी, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा जब सिग्मा एक्स सिग्मा वाई निकल आएगा तो करना क्या होगा, आपको सीधा रिजल्टेंट निकालना, और रिजल्टेंट निकालने के लिए मैंने बहुत बार बताया सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। सिंपल सा यहाँ पर जो भी वैल्यूज आएंगे उसको रख दी, देखिए जैसे थीटा कॉस थीटा 1 है तो कॉस थीटा 1 की जगह क्या लिखोगे, तो यहाँ पर देखिए कॉस थीटा 1 दैट इज 2 अपॉन रूट
फाइव, इतना ही इसकी जगह लिख देंगे। इसी तरह cos थीटा 2 की जगह आप क्या लिखेंगे, cos थीटा 2 की जगह पे 3 बाई 2, इसकी पूरी जगह पे आप क्या लिखेंगे 3 बाई 5। इसी तरह sin थीटा 1 के लिए कुछ ये लिख देंगे, sin थीटा 2 के लिए आप ये लिख देंगे। ठीक है, जब r की वैल्यू अंडर रूट समीशन ऑफ x का स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ y का स्क्वायर निकालेंगे, तो जब r आ गया तो अल्फा आने में कितना देर लगेगा, समीशन y एंड समीशन x, बस सॉल्व कर लीजिए, इसमें कुछ नहीं बचा। इजी है ना, बहुत इजी है। चलिए बस थोड़ा बहुत तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ पर कैलसी है नहीं मेरे पास, वरना भाई जल्दी जल्दी कर देता है सारी चीज़ें, आपको बस बैठ के कैलसी चलानी है, समझ जाइए। ठीक, करिए, ना समझ में एक बार रिपीट करके देखिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन एक कर लेते हो, क्वेश्चन है अ सिस्टम ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, अ सिस्टम ऑफ फोर्स एक्टिंग on a body, resting on an inclined plane, as shown in figure, determine the resultant force. Figure दिया गया है, कह रहा है कि determine the resultant force if weight W is equal to 1 newton, N is 500, N is equal to 500 newton, force which is 100 newton, and the tension T is equals to 1200 newton, ये दिया गया है, और कुछ डायग्राम ऐसा दिया गया है, देखिए इंक्लाइन पे बॉडी रखी हुई है, दिस इज अ बॉडी, ठीक है, एट एन एंगल थीटा, सॉरी ये 60 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, दिस इज W, एक लोड है, ये वेट रखा हुआ है, तो जाहिर सी बात इसका कोई अपना वेट होगा, दिस इज W, ये W दिया हुआ है, साथ साथ एक टेंशन इसको रोकने के लिए कि नीचे ना खसके, इसके ऊपर टेंशन एक T लगी हुई है, नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है, दैट इज F, और इस बॉडी की वजह से इसके ऊपर रिएक्शन तो इतना आ रहा है, That is M. ठीक है, और भी दिया है, दिस इज x डायरेक्शन, और इसी के ऊपर जो गया है आगे, इसी को बोला गया है y डायरेक्शन, इतनी चीज दी गई है, बोला गया है कि भाई रिजल्टेंट फाइंड आउट करो। ये y डायरेक्शन है, ये x, ये y, और रिजल्टेंट इसके ऊपर रिएक्शन फोर्स दैट इज एम, याद आ रहा है, तो करना क्या है, सिंपल सा, इन सारे फोर्स को एक्स एंड वाई डायरेक्शन इसको रिजॉल्व कर लो, देखिए कैसे करते हैं, समीशन ऑफ एक्स सबसे पहले निकालते हैं, तो देखिए एक्स डायरेक्शन में टी तो दिया हुआ है, सबसे पहले यहाँ पर टी लिख देते हैं, एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और एफ नीचे की तरफ है, तो इसको अगर मैंने पॉजिटिव माना तो एफ को क्या मानेंगे हम, निगेटिव। ठीक, एक चीज और देखिए, ये अगर 60 है तो दैट इज 90, ये क्या हो जाएगा आपका 30, तो देखिए W को
एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है, तो डब्लू का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आएगा, डब्लू साइन 30, और इधर क्या जाएगा, डब्लू कॉस 30, डाउनवर्ड नीचे तक जाएगा, क्योंकि ये नीचे है, इसको जब एक्स डायरेक्शन लाएगी तो कुछ ऐसा चला जाएगा, वाई डायरेक्शन में इसको कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है। तो देखिए एक्स उधर है, टी उधर है, डब्लू इधर है, तो डब्लू साइन 30 डिग्री। अब समीशन ऑफ वाई निकाल लेते हैं, तो सबसे पहले वाई ऊपर है, एन भी ऊपर की तरफ लगा, तो एन ऐसे लिख लो, एन ऊपर की तरफ, लेकिन डब्लू कॉस 30 नीचे की तरफ लगा, दैट इज माइनस डब्लू कॉस 30। अब समीशन ऑफ एक्स, आपको टी की वैल्यू पता है, दैट इज 1200, एफ आपको दिया गया 100, एंड डब्लू आपको दिया 1000 साइन 30, एंड समीशन ऑफ वाई इक्वल्स टू 100, दिस इज गिवन एट 500, एंड डब्लू कॉस 30, डब्लू इज गिवन एज 100 न्यूटन एंड कॉस 30 हियर कॉस 30। अब बताइए क्या चीज इसमें है जो आप नहीं निकाल पाएंगे, तो समीशन ऑफ एक्स निकालेंगे, समीशन ऑफ वाई को सिर्फ कैलकुलेट रखिए, सॉल्व कर लीजिए, और जो आर की वैल्यू होगी, दैट इज समीशन ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ वाई का स्क्वायर, यहाँ से आप निकाल लेंगे, ठीक है। और जब ये निकाल लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपका आंसर नहीं आया, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछा ही यही गया है कि डिटरमाइन द रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। तो मुझे लगता है जहाँ तक आज मैंने 4-5 क्वेश्चन करवा दिए हैं, इज इट इनफ फॉर सिस्टम ऑफ फोर्स। सो इससे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आप कोई बुक उठा लीजिएगा, कई सारी बुक्स आती है मैकेनिक्स की, उससे आप क्वेश्चंस के वेरिएशन लगाइए, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बस थोड़ा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज रहेगा, लेकिन तरीका यही होगा। तो आप लोग सॉल्व करिए, समझिए, ठीक है। जो ना समझे वो मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है। तो मैं अभी चलता हूँ, नेक्स्ट टाइम पे मैं आऊँगा तो और भी इसी से रिलेटेड 8-10 क्वेश्चन और लगाएंगे। फिर आगे का जो टॉपिक होगा, नया टॉपिक, दैट इज कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम, FVD, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, चलते हैं फिर, थैंक यू, जय हिंद।